एंड वेलकम बैक टू my चैनल hope यू आर डूइंग गुड फाइन एंड शाइन एंड अलहमदिल्ला आप सबकी दौर से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फिट हूँ मज़े में हूँ लेकिन व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि दो दिन इंटरनेट जो है बिल्कुल ख़राब रहा है और उसके ठीक होने के इंतज़ार में थी वैसे मैंने पैकेज लगाया हुआ था पहले वन डे फिर थ्री डे बहुत पैसे जाएगी जैसे ही मैंने सेवन डेज़ का पैकेज लगाया दस हज़ार का सॉरी टेन का दस हज़ार का तो दो घंटे यूज़ हुआ और शायद चालीस पचास एम बी यूज हुए और नेट आ गया मतलब मुझे सख्त गुस्सा आ रहा था मतलब मेरे पैसे लगने जरूरी हैं जितने मैं इंटरनेट और ये पैकेजेस और इन चीज़ों से भागती हूँ ना जब मैं लगाती हूँ ना तो मेरा मौसला ही हल हो जाता है मुझे पैकेजेस की आदत नहीं है इवन कि मुझे मोबाइल में क्रेडिट है नहीं है ये बहुत गंदी बात है लेकिन बस मैं यूज़ कर लेती हूँ दिखा नहीं जाता घर में वाई फाई जहाँ जाना होता है वहाँ वाईफाई हस्बैंड साथ होते हैं तो उनके साथ कनेक्ट कर लेती हूँ कहीं बाहर जाना पड़ जाए ज़रूरत पड़ जाए अदरवाइज़ मेरी ये जरूरत ही नहीं है जिनके लिए लगाना होता है वो मेरे साथ होते हैं और इतना मेरा कोई है नहीं सोशल सर्कल के जो मुझे तलाश करें मैं कहा हूँ तो मेरे हस्बैंड हैं साथ तो कौन है मेरी तरह कौन है मेरी तरह जो पैकेजेस नहीं लगाता उसका भी मेरे वाला ही हाल है बस वाई से मोबाइल चल रहे हैं तो एक दिन मेरे दिन मुझे कह रहे थे कि पी टी अप्रूव जो फ़ोन होते हैं ना नॉन पी टी होते हैं ना तो मैं तो वो फ़ोन लेके देना चाहिए क्योंकि मतलब उसमें सिम का कोई रोल ही नहीं है वो वाई से कनेक्ट होकर चल रहा है तो हाफ पर्सन पर्सनजनक कीमत बचती है पर क्या करें कभी ज़रूरत पड़ ही सकती है वो वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसकी पड़ती तो कौन है मेरी तरह का वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन है मेरी तरह जो वाई के साथ चल रहा है उसको क्रेडिट की ज़रूरत छः माह बाद पड़ती है कोई एमरजेंसी होगी तो उसको ज़रूरत पड़ गई अच्छा अब मैं बड़े दिन से ना बोर हो रही थी इतनी शदीद बोर हो रही थी कि आज मैंने अपने हस्बैंड को ना उनके टेक्स्ट कर दिया था सात बजे के करीब आठ बजे के करीब मुझे बाहर जाना है तो खैर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना कहने की ज़रूरत नहीं थी मुझे बाहर जाना है वो मैं नहीं जाती वो तो हमेशा रेडी है लेकिन मैंने आज उनको बता दिया था कि मैंने बाहर जाना है और खाना जो है वो मेरे डिनर नहीं बाहर से करना ऐसा कोई नहीं है बस मुझे थोड़ा सा घूमना है फिरना है और आइसक्रीम बस खा लेनी है लाइट सी कुछ भी कोई प्रॉपर नहीं घूम मकसद है थोड़ा घूमना और थोड़ा फ्रेश होना और थोड़ा तैयार होना भाई मुझे जो है ना खाने से ज़्यादा क्रेविंग्स क्रेविंग आजकल तैयार होने नहीं आ रही हैं दिल करता है ना आपका मौसम चेंज हुआ है थोड़ा स्टफ़ चेंज मैंने लॉन मैं तो पहननी भी शुरू करती है तो दिल करते हर जब तक मैं घूमती फिरती हूँ आपको जो दो तीन दिन वाईफाई ना होने की आ, तो वो सूरत में ब्लॉग नहीं मिला तो चले वो आप ब्लॉग शेयर करती हूँ और और जी मेरे हस्बैंड मुझे चले गए बिठाकर ही और मैं के एफ़ सी आ गए तो मैंने कहा चले आइसक्रीम खा लेते हैं वहाँ पे और यहाँ मैं बैठी बोर हो रही हूँ उनका इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि वो एक आइसक्रीम लेने गए और ट्वेंटी फाइव मिनट्स उनको लग गए तो मैं सोच रही थी कि एक छोटे से ऑर्डर के लिए ट्वेंटी फ़ाइव मिनट्स लेकिन जब वो आए तो ये ऑर्डर ये था तो मतलब खाना शुक्र है डिनर मैंने नहीं किया था बिल्कुल भी अगर मैंने किया होता तो उन्होंने कौन सा मुझे आ, छोड़ना था और मैंने इसको खाना था बल्कि खाना क्या ठोसना था तो आई वॉज सरप्राइज़ एंड शॉक कि मैंने तो ऑलरेडी घर में कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था और मैंने नहीं खाया था और आप फिर मेरे लिए ले आए मतलब क्या कहे बंदा और आ, मैं तो वो बंदी हूँ जो अगर डेढ़ महीना लगा के दो के जी लूज़ करती हूँ तो मेरा बाउंस बैक जो है ना वो फ़ोर के जी का आता है तो वो यही रीज़न है लेकिन खैर अब तो ये आदत सी है मुझको ऐसे जीने की तो हाफ सही है ये भी ये भी कभी बुरा हो ही जाएगा खैर तो फिर मेरे हस्बैंड ये लेके आए जी आइसक्रीम और आइसक्रीम के पीछे साथ माशाला छोटा सा डील मतलब आइसक्रीम खाने गए थे और ये मेरे हस्बैंड पूरी डील ले आया और मैं तो हैरान मैंने कहा और वो मुझे बार बार एक ही बात अब कुछ मत बोलना ईजी होके खाओ तुमने डिनर नहीं किया मैंने कहा अगर मैंने किया भी होता ना तो आपने मुझे छोड़ना नहीं था तो खैर जी ये आइसक्रीम मैंने इंजॉय की और अपना मील भी इंजॉय किया है बहुत रश था आपको पता है फ्राइडे यू नो शुरू हो जाता है फ्राइडे सैटरडे एंड संडे ये तीन दिन जो होते हैं ना फुल टाइम चिलिंग माहौल होता है ऐसी जगहों पे जाओ तो शॉपिंग मॉल में और मुझे लगता है रेस्टोरेंट्स में जगह ही नहीं मिलती मतलब रिज़र्व हुई होती हैं सीट्स और खड़े होकर वेट करना पड़ता है ये ऐसी जगहों पे जाके पर फिर क्या करें सबने इसी दिनों जाना होता है खैर हमारा कोई दिन तो नहीं होता लेकिन मोस्टली ये दिन वीकेंड्स के जो दिन होते हैं ना ये ज़रा होते, है। तो होते हैं हमारा सैटरडे एंड संडे तो बहुत ज़्यादा बिजी होता है लेकिन इस तो हम फ्राइडे पे चले गए थे कोई दिन थोड़ी है जब दिल करे चले जाएँ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है खैर यहाँ से वापस फ्री होने के बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चले अब हमने खा पी लिया है और मौसम भी आजकल बड़ा अच्छा है हवा भी अच्छी चल रही होती है और आगे आगे बीच में थोड़ा दो तीन दिन पहले गर्मियाँ फील हुई थी बहुत ज़्यादा लेकिन अब ठीक है तो मैंने कहा चलें जी वेजिटेबल्स ले लेते हैं मौसम के हिसाब से वेजिटेबल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा ढीली ढाली थी कि मैं सोच में पड़ गई थी कि सब्जियां इतनी बेचारी झुलसी हुई हैं जैसे गर्मी से हो अभी तो मौसम आया ही नहीं ऐसा कि ये सूरत हाल हो लेकिन खैर फिर जो बहुत ज़्यादा ही मुझे कमज़ोर तरीन हालत में सब्जियां लगी ना वो फिर मैंने अवॉइड कर दी मैंने कहा नहीं ये नहीं फिर कुछ और लेते हैं तो बस इसी तरह ये सब कुछ चल रहा है आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में रमज़ान को लेकर आपकी क्या प्रेप्रेशंस होती हैं आप क्या क्या काम करते हैं और करके रख लेते हैं और कौन सा काम है जो आप नहीं मतलब आप सोचते हैं कि नहीं ये सिर्फ टाइम के टाइम ही होना चाहिए वेजिटेबल्स को स्टोर करते हैं या क्या करते हैं अच्छा मेरा बजट फ्रेंडली या सेविंग के तौर पे तो आप कोई काम नहीं कर सकते अब क्या आप पहले कर लें वैसे भी अब तो कुछ दिन रह गए हैं मोस्टली uh, अगर कोई चीज़ें सस्ती मिल रही हो जैसे पिछले दिनों टमाटर बहुत सस्ता था लीमू बहुत सस्ता था तो बंदा सोचता है कि चलो यार दो हफ्ते पहले स्टोर करेंगे ना तो बहुत फ़र्क पड़ता है लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं होता इन चीज़ों का अब आप सिर्फ अपनी सहूलत के लिए करते हैं सेविंग्स नाम की कोई चीज़ नहीं है कोई आ, कोई डिपार्टमेंट जो है ना ये ग्रॉसरी सब्जियां फल कोई आपके साथ तावन नहीं करता कि आप ये इस नियत से काम करें पहले था लेकिन अब वो भी बहुत समझदार हो गए हैं कि वो समझते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो जहरानंदोजी हो जाएगी घरों में या लोगों में इवन के जो हम घरों तक तो पहुँच ही नहीं पाती ना कि जीराानंदोजी का वक्त मेरा लोगों को कि वो उसने ऐसा तो होता नहीं है मैं कहती हूँ कि शॉप्स वाले ही एक एक महीना पहले चीज़ें शॉर्टेज पर चली जाती हैं तो पता चलने चल जाता है कि ये अब रमज़ान की तैयारी हो रही है ये तो मुसलमानों के हालात हैं और सबसे ज़्यादा माशाल्लाह हज करने वाली कौम है हम और सबसे ज़्यादा जो है वो चैरिटी करने वाले लोग हैं हम लेकिन आप देख लें कि मैंने एक बड़ी कुछ दिन पहले एक पोस्ट पढ़ी थी बड़ी जो थी ना दुख पड़ी बात है लेकिन बड़ी गहरी और सच्ची बात है कि अब ये जी अंदोजी करने वाले ताजर जो मुनाफे कमाएंगे ना रमज़ान की वजह से और आफ्टर रमज़ान ये हज और उम्र जो है ना इसकी सादत इस साल नसीब करेंगे नसीब होगी ने मतलब इस बात के मतलब ये था कि हम लोग एक डिपार्टमेंट में अपना रोल क्या अदा करते हैं और देन आफ्टर हम दीन इस्लाम के रास्ते पे चल पड़ते हैं मतलब कि हमने तो अपनी तरफ से हम अपने आप को ना हम इंसान बहुत होशियार समझते हैं कि हम अल्लाह ताला को भी ना हमें वो जो पंजा खुल, खुला लफ्ज़ में कहूँगी पंजाबी में कि जो रंग हम इंसानों को दुनिया में करने की आती है ना हम समझ रहे हैं कि रंगबाज़ियाँ हम अपने अल्लाह ताला के साथ भी कर सकते हैं और ये करते हैं लोग बिलीव भी मैंने ऐसा देखा है कि लोग हराम आम कमाई है हर इसके हलाल नहीं कमाते हैं और बाद में वो नज़र न्याज कर रहे होते हैं और देखें दे रहे होते हैं तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि अल्लाह ताला के हाँ आप लोग क्या कर रहे हैं मतलब किसको आप धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं कभी सोचा है मतलब इंसान अपनी धोखेबाजी में इस कदर आगे निकल गया कि उसको ये भी याद नहीं रहता कि वो किसको धोखा दे रहा है मतलब वो ज़ात को धोखा दिया जा सकता है तो बस इंसानों के साथ रंगबाजियाँ करके ना हमें यह भूल याद ही नहीं रहता कि आखिर में हम अल्लाह ताला के साथ ये काम शुरू कर देते हैं के नेगेटिविटी और गलत कामों को करने के बाद हम अच्छे काम से उसको जो रिप्लेसमेंट दे रहे होते हैं कि नहीं वो कवर हो जाएगा ऐसा नहीं होता अगर ऐसा होना होता तो फिर जनाब ये बात स्टैम्पड होती और हमें ज़रूर अल्लाह ताला के ज़रिए और अल्लाह के पे के ज़रिए हमें बता दी जाती कि दुनिया में अमीर बंदे हैं जो वो अपनी दौलत का इस्तेमाल करके जन्नती बन सकते हैं तो ऐसा नहीं होता इसलिए इंसान को अपने कामों पर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है शायद इस वजह से ही अब बुराई बहुत आम होती जा रही है क्योंकि हमें लगता है कि बुराई करने के बाद हम उसको अच्छाई में कन्वर्ट कर देंगे जैसे ब्लैक मनी को लोग वाइट मनी करते हैं ना तो इसी तरह हम अपनी ब्लैक करतूतों को ना वाइट करतूत में चेंज कर लेते हैं ये काम करके तो मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो लोगों के हक तलफी करते हैं लोगों के हकूक मार के और अल्लाह ताला के फ़राइज में उनको बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं और वही लोग अल्लाह की राह में नेकियां कर रहे होते हैं नज़र नयाज़ कर रहे होते हैं और सवाब कमा रहे होते हैं बड़ी बात है अल्लाह ताला हिदायत दे हम सब को मुझे भी आपको भी इस वीडियो को सुनने वाले को पता नहीं हम लोग कितनी गलती लेकिन गिरेबान में झांकने के लिए भी बहुत ज़र्फ़ चाहिए मैं समझती हूँ कि अगर हम अपने गुनाहों के पर गौर करके उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे ना तो चले अगर हम 100 परसेंट नहीं तो बार बार सोचने से 30, 40 कुछ तो परसेंटेज इम्प्रूव आ ही सकता है ना तो बिल्कुल ही अपने आप को छोड़ देने से अच्छा है कि अपने आप को जो है ना वो बेहतर करने की कोशिश करते रहना चाहिए ताकि हम इस चीज़ में जो है ना वो अपने ध्यान को जब डाल के रखेंगे ना तो इन अल्लाह तला भी हमारे लिए आसानियाँ करेंगे और अल्लाह ताली हदायत दें उन लोगों को जो अपनी ब्लैक करतूतों को वाइट करतूत में चेंज करने में बेहद मसरूफ हैं कि उन्हें ये बिल्कुल ही याद नहीं है कि ये काम अल्लाह ताला के यहाँ नहीं होता बाकी जी आपको भी अल्लाह ताला रमजान की जो है बरकतें समेटने की तोफ़ीक आफर माए मुझे भी और हम सबको ऐसा बना दे जैसा हमारे अल्लाह को हम पसंद आएँ मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़ बैन टेक केयर